हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंकेश एंड यू आर वाचिंग स्टडी मोशन ऑन यूट्यूब। फ्रेंड्स, यस्टरडे वी स्टडी अबाउट द साउंड ऑफ ए। ए क्या साउंड करता है, ए का उच्चारण क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या उच्चारण होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्न अबाउट द साइलेंट ऑफ ए। ए कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे ए के बारे में। ए कहाँ कहाँ साइलेंट हो जाता है, कहाँ कहाँ ए का उच्चारण ही नहीं होता है। फ्रेंड्स, ए की अब क्या हुई, ए की शादी हो जाती है। क्या होती है जी, ए की शादी हो जाती है। किससे, तो ई से शादी हो जाती है। तो ई से शादी होने के बाद इसकी जो ए की जो पत्नी ई थी, वह इसे अब बोलने ही नहीं दे रही है। मतलब ई को साइलेंट करके, ए को साइलेंट करके रखी है, मतलब ए को बोलने ही नहीं दे रही है। तो बात आ रहा है, अगर ई के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है। अगर E के बाद A आता है तो A क्या होगा, साइलेंट होगा। अगर एग्जाम्पल ले हम, तो एग्जाम्पल पे देखते हैं इच। इसमें E के बाद A आ रहा है, बेचारा A बोल ही नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी जो E है बोलने ही नहीं दे रही है। तो E के बाद A आ रहा है तो A साइलेंट होता है। और इच मीन्स क्या होता है जी, प्रत्येक। इच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। अब आता है टीम, TEAM। ए से पहले ई आ रहा है तो यहां भी ई ए को बोलने नहीं दे रहा है। तो टीम होता है, टीम मींस होता है समूह। फ्रेंड्स, पिच, पिच मींस होता है सुंदर स्त्री। फ्रेंड्स, हम इसके जो इसका जो एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में ऐसा 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 वर्ड ले रहे हैं जिससे आपको वर्ड स्टॉक भी बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, पिच एक नया वर्ड है, पिच मींस होता है सुंदर स्त्री, PEACH। यहां भी ई के बाद ए आ रहा है तो ए साइलेंट हो रहा है। हिम मींस होता है आहे भरना या हाफना, यहां भी ए साइलेंट है। ब्रेड, ब्रेड में भी रोटी, रोटी होता है, ब्रेड में भी ए साइलेंट है। फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि ए अब परेशान होके दूसरी शादी कर लेता है। फ्रेंड्स, अब ए दूसरी शादी ओ से कर लेता है। ओ से शादी करने के बाद भी वही नाटक रहता है ओ का, ओ फिर भी ए को बोलने नहीं दे रही है ना। तो अगर ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है। अगर ओ के बाद भी ए आता है तो ए क्या होता है, साइलेंट होता है। अगर एग्जांपल पे देखें तो लोन, LOAN, यहां भी ओ जो है ए को बोलने नहीं दे रही है, ए यहां भी साइलेंट है। लोन मिस होता है रिन। फ्लोट, फ्लोट मिस होता है नाव, यहां भी ए साइलेंट है। बोर, बोर मिस होता है जंगली सुअर, है ना। शॉक, शॉक मींस होता है भींगना, है ना, भींगना होता है ना। तो यहां भी ए साइलेंट है। गोल, गोल मींस लक्ष्य, एम, वहां भी क्या है जी, ए साइलेंट है। फ्रेंड्स, हमने देखा ए कहां कहां साइलेंट होता है ना। अब कुछ आता है लॉजिकली, म्यूजिकली, रोमांटिकली, आर्टिस्टिकली, है ना, इस सब में भी ए आ रहा है जहां ए साइलेंट होता है। फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम कि अगर ए के बाद डबल एल वाई आए, क्या है जी, ए के बाद अगर डबल एल वाई आए तो वहां ए साइलेंट होता है ना। अगर ए के बाद डबल एल वाई आए, डबल एल वाई आए तो क्या होता है जी, ए साइलेंट होता है ना। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि साइलेंट कहां कहां होता है, ए साइलेंट कहां कहां होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ए के उच्चारण के बारे में, ए के साउंड के बारे में। आज हम देख रहे हैं ए कहां कहां साइलेंट होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह अगले लेक्चर में आपको बी के बारे में पहले उच्चारण बताया जाएगा, ए का, बी का साउंड क्या क्या होता है, फिर बी के साइलेंट के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें इस चैनल पर, और कंटिन्यूटी बनाने के लिए प्लीज आप ये वाला सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।